हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। ये मैं पर्स बना रही हूँ, एट नंबर की मैंने क्रोशिया हुक लिया है। ये हमने 12 चेन डाली है और उसके बाद अगल बगल से दोनों तरफ से हाफ क्रोशिया बनाया है। दोनों तरफ से हाफ क्रोशिया बनाने के बाद गोलाई से बनाते जाएंगे राउंड शेप में, वो ऐसा शेप आएगा। ये बॉटम तैयार हो गया। इसके बाद देखिए इसी तरह से ये हाफ क्रोशिया इसी तरह बुनते जाना है। ये जो थ्रेड है ये थोड़ा मोटा है, ये लेस लगाने में की तो शॉप पे मिल जाता है, इससे वो बनाई जाती है, क्या कहते हैं, पाइपिंग बनाने में काम आता है ये। इसी का मैं बना रही हूँ, बहुत ही मज़बूत और ख़ूबसूरत बैग तैयार होती है देखिए, और बहुत ही जल्द कम समय में। सबसे बड़ी बात ये कम समय में, मैं ये मोबाइल रखने के लिए बना रही हूँ अपने मोबाइल की नाप का, इसलिए मैंने 12 चेन ली है। अगर आपको बड़ी बनाना है तो चेन और ले सकते हैं। और इसी तरह गोलाई से राउंड शेप में बुनते जाना है, हाइट के हिसाब से जितना लंबा मोबाइल है मैं उतना करूँगी अपने मोबाइल के बराबर, और आपको जितनी बड़ी बनाना हो उस हिसाब से आप इसका हाइट रख सकती हैं। देखिए ये हमारे मोबाइल के बराबर हो गया है इसकी हाइट। अब मैं एक साइड बनाऊंगी, ये सिर्फ जो इसका कवर होगा, यानी जिसको आम भाषा में ढक्कन भी कहते हैं, मतलब इसको कवर अप हो जाएगा ये। इसके बाद मैं इसका देखिए इस तरह ये इसका मैंने ऊपर का कवर इतना लंबा बनाया, बीच में मोतियां लगाई और नीचे मैंने ऐसे ही काट कर छोड़ दिया था, और नीचे बिल्कुल जो मोती तरह दिख रहा है ये हमने गांठ डाल दी, छोटी छोटी गांठ जिसको नॉट कहते हैं, छोटी छोटी नॉट लगा दिया इस तरह। देखिए इसको आप जीन्स पर, टॉप पर, सूट पर कैरी कर सकती हैं, इसमें मोबाइल डालकर आप इसको आगे हैंग कर लें। दिखने में बहुत स्टाइलिश और ब्यूटीफुल लगता है। आपको कैसा लगा मेरी ये छोटी सी पर्स, और जो बहुत ही यूज़फुल है, ज़रूर कमेंट करें। और आपको किसी तरह की पर्स बनानी है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं वो भी पर्स बनाना सिखाऊंगी। और इजी, और सबसे बड़ी बात मैं इजी बताती हूँ और कम समय में बनने वाली चीज़ें मैं बताती हूँ, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।